Redmi Note 9 Pro फाइनली हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा 12 मार्च को। तो जैसे कि यार इस फोन का रिलीज डेट बहुत ही सामने आ चुका है, आप इस पोस्टर को देख के कंफर्म हो चुके होंगे, ऑफिशियली इस फोन का रिलीज डेट कंफर्म हो चुका है। तो अगर आप लोग Redmi Note 9 Pro को परचेस करना चाहते हो तो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे Redmi Note 9 Pro के स्पेक्स के बारे में जो कि अभी लेटेस्ट ही रिवील हुए हैं, और प्राइसिंग के बारे में और इंडिया रिलीज डेट के बारे में। तो जैसे कि यार ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और Redmi Note 9 Pro ना एक बजट किलर स्मार्टफोन होगा, बहुत ही अच्छे स्पेक्स के साथ आने वाला है, तो जरूर से इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जंप इनटू द वीडियो। डिस्प्ले कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं तो 6.6 इंच का डिस्प्ले हमें Redmi Note 9 Pro के अंदर देखने को मिलेगा, और जैसे कि डिस्प्ले में बेजल्स और चिन बहुत ही पतला देखने को मिलेगा, बहुत ही थिक देखने को मिलेगा, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगने वाला है, और फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन के साथ आने वाला है। सुपर एमोलेड का पैनल भी हमें इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा, और डिस्प्ले में 90Hz या फिर 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, ज़्यादा चांस है कि 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, और डिस्प्ले में सेंटर पंच होल देखने को मिलेगा जो कि देखने में यार बहुत ही अच्छा लगने वाला है। सुपर एमोलेड का पैनल हमें इस फोन के अंदर देखने को मिल रहा है, इसलिए हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी हमें इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो मीडिया टेक का डायमेंसिटी 800 चिपसेट या फिर स्नैपड्रैगन 730G चिपसेट, ये दोनों चिपसेट में से कोई एक चिपसेट हमें Redmi Note 9 Pro के अंदर देखने को मिलेगा, पर ज़्यादा चांस है कि डायमेंसिटी 800 चिपसेट देखने को मिलेगा। इससे पहले हमें पोको X2 के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 730G चिपसेट देखने को मिला, इसलिए हमें Redmi Note 9 Pro के अंदर डायमेंसिटी 800 चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि मीडिया टेक की तरफ से बहुत ही पावरफुल चिपसेट है। 2.6 GHz पे क्लॉक है, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। रैम के बारे में बात करते तो 6GB 64GB, 6GB 128GB और 8GB 256GB, और ये फोन एंड्रॉइड 10 के साथ आने वाला है, जहाँ पे MIUI 12 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जहाँ पे न्यू कस्टम स्किन्स भी मिलने वाला है, और NFC का सपोर्ट भी हमें इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। कैमरे के बारे में बात करते हैं तो क्वाड कैमराज हम लोगों को Redmi Note 9 Pro के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि यूनिक स्टाइल में आने वाला है। स्क्वायर में क्वाड कैमराज देखने को मिलेगा, जो कि बैक के साइड में बॉटम में शिफ्ट किया गया है, जहां पे प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा 108 मेगापिक्सल का, प्लस 20 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, प्लस 16 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, प्लस 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। बात करते हैं फ्रंट फेसिंग कैमरे के बारे में तो फ्रंट में देखने को मिलेगा 32 मेगापिक्सल का AI सेल्फी कैमरा। तो जैसे कि यार इस फोन के अंदर हमें बहुत अच्छा कैमरा देखने को मिल रहा है। बैटरी के बारे में बात करते हैं तो 5000 mAh का बैटरी हम लोगों को Redmi Note 9 Pro के अंदर देखने को मिलेगा। तो जैसे कि यार इस फोन के अंदर हमें बैटरी बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है, और बैटरी बैकअप भी हमें इस फोन के अंदर बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, और 33W के फास्ट चार्जिंग के साथ आने वाला है, जो कि आउट ऑफ द बॉक्स हमें चार्जर भी देखने को मिलेगा, और टाइप सी पोर्ट और 3.5mm का ऑडियो जैक भी हमें इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो Redmi Note 9 Pro का प्राइसिंग होने वाला है इंडिया के अंदर 15,000 rupees के रेंज में। तो जैसे कि यार इस फोन का प्राइसिंग बहुत ही कम है, और बहुत ही कम प्राइसिंग में भी बहुत ही अच्छा स्पेक्स ऑफर कर रहा है Redmi Note 9 Pro। MediaTek का डायमेंसिटी 800 चिपसेट हम लोगों को Redmi Note 9 Pro के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि MediaTek की तरफ से लेटेस्ट चिपसेट है और बहुत ही पावरफुल चिपसेट है। रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो Redmi Note 9 Pro का रिलीज डेट होने वाला है इंडिया के अंदर 12 मार्च को। तो जैसे कि यार इस फोन का रिलीज डेट भी ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, आप इस पोस्टर को देख के कंफर्म हो चुके होंगे। तो अगर आप लोग Redmi Note 9 Pro को परचेस करना चाहते हो तो आप Redmi Note 9 Pro के फर्स्ट सेल पे परचेस कर सकते हो Redmi Note 9 Pro को। तो जैसे कि यार Redmi Note 9 Pro बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है, मिड रेंज के प्राइसिंग में बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है, और स्पेक्स भी बहुत ही अच्छा ऑफर कर रहा है Redmi Note 9 Pro। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा है। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल वाले नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, और इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो जरूर से कर लीजिए। तो मैं मिलता हूं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।